अ टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस की हिस्टोरिकल नावल है। टॉमस कार्लाइल की किताब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर यह आधारित है। डिकेंस की यह दूसरी ऐतिहासिक नावल है। इस उपन्यास में डिकेंस एक अच्छी सी कहानी कहते हैं। उनके पात्र कहानी के साथ साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास को भी यथार्थता से दोहराते हैं। तो अ टेल ऑफ टू सिटीज पर आधारित प्रश्नों की एक श्रृंखला है, उसका अध्ययन करते हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 1859 में यह प्रकाशित हुआ था। अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 में प्रकाशित हुआ था। पब्लिश्ड इन ऑल द ईयर राउंड, तो डिकेंस की एक पत्रिका थी ऑल द ईयर राउंड, उसमें पहले प्रकाशित हुआ, बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ अ टेल ऑफ टू सिटीज। इसके तीन हिस्से हैं, थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट है रिकॉर्ड टू लाइफ, सेकेंड पार्ट द गोल्डन थ्रेड, थर्ड पार्ट द ट्रैक ऑफ अ स्टॉर्म। रिकॉर्ड टू लाइफ, द गोल्डन थ्रेड, द ट्रैक ऑफ अ स्टॉर्म। द नावेल ओपन्स विद द पॉपुलर लाइन्स, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो नावेल इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ऐसे एक श्रृंखला है वाक्यों की, उनके साथ प्रारंभ होता है और इट वाज बार बार दोहराया जाता है, यानी इस एक एनाफोरा के द्वारा प्रारंभ होता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलात्मक शुरुआत की गई है इस उपन्यास की। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ईयर 1775, जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जो उपन्यास है वो वर्ष 1775 के तुरंत पहले फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की घटनाओं को बताता है। 1757 1757 मार्क्विस ब्रदर्स काल, डॉक्टर मैनेट टू अटेंड पेशेंट्स, अ गर्ल इज डेब्ड बाई द यंगर मार्किस। फ्रांस में मार्किस बंध होते हैं, ये सामंत होते हैं। ये इनकी गाड़ी से एक बच्चे की हत्या हो जाती है। एक मार्किस के द्वारा एक लड़की को रेप किया जाता है। ए गर्ल इज रेप्ड बाई द यंगर मार्किस, यानी जो छोटा मार्किस होता है, वो दो भाई होते हैं, तो जो छोटा भाई होता है, बाद में इस उपन्यास के नायक का अंकल जो होता है, वो एक गर्ल को रेप करता है और बाद में उसके भाई की हत्या भी कर दी जाती है। तो डॉक्टर मैनेट, जो कि ब्रिटेन में एक फिजिशियन थे और उस समय फ्रांस में थे, तो उनको इलाज के लिए बुलाया जाता है। एक घटना है 1757 की, 1757, मार्क्विस ब्रदर्स कॉल डॉक्टर मैनेट टू अटेंड पेशेंट्स, अ गर्ल इज रेप्ड बाई द यंगर मार्किस।
1793 नवंबर चार्ल्स इज री अरेस्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो चार्ल्स डार्ने जो कि इसी एवरमोंड मार्क्यूस के परिवार का है, वो एक बार गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उसका हमशक्ल है सिडनी कार्टन, तो वो छोड़ दिया जाता है। दोबारा फिर गिरफ्तार किया जाता है 1793 में, और अब उसको फांसी होगी। इसमें हमशक्ल वाला जो फार्मूला है उसका बड़ा सफल उपयोग किया गया है। सिडनी कार्टन चार्ल्स डार्ने का हमशक्ल है। द नरेटिव कवर्स द पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 36 ईयर्स। इसमें जो कहानी है उसमें 36 साल की कहानी कही गई है। अब प्रश्नों का आंसर खोजते हैं। पहला क्वेश्चन, ए टेल ऑफ टू सिटीज ओपन्स इन 1775, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज दिस पीरियड। तो इसमें कई विकल्प हैं। तो एक गिलोटीन यंत्र था जिससे हत्या की जाती थी। इस गिलोटीन यंत्र का उपयोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ था। तो 1775 के समय गिलोटीन का उपयोग नहीं हुआ था। तो द गिलोटीन स्टैंड्स एज अ मच फियर्ड फिक्स्चर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। ये 1775 में ऐसा नहीं था, हाँ बाद में ऐसा हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, ड्यूरिंग हर टेस्टिमनी टू होम डज लूसी क्लेम दैट चार्ल्स डार्ने अल्यूडेड ऑन द बोट राइड फ्रॉम कैलेइस टू डोवर। तो इसका आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन, यानी लूसी ने जॉर्ज वाशिंगटन को के बारे में बोला था, अल्यूड किया था। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज जेरी क्रंचर फ्रीक्वेंटली गो आउट टू डू एट नाइट। जेरी क्रंचर एक बैंक का मैसेंजर है, लेकिन वो प्रायः रात में विचित्र ढंग का काम करता है। तो जेरी क्रंचर क्या काम करता है, व्हाट डज जेरी क्रंचर फ्रीक्वेंटली गो आउट टू डू एट नाइट। आंसर, डिग अ बॉडीज इन द सीमेट्री। वो कब्रिस्तान में मुर्दों को निकालता है, खोदता है, कब्रों को खोदता है। हु इन्फॉर्म्स द डिफार्जेज दैट लूसी मैनेट हैज मैरिड चार्ल्स डार्ने। तो जो डिफार्जेज हैं ये क्रांतिकारी थे, और इनको कौन खबर करता है कि चार्ल्स डार्ने ने लूसी मैनेट से शादी कर ली है। आंसर, जॉन बर्साड। तो ये खबर कि चार्ल्स डार्ने ने लूसी मैनेट से शादी की है ये जॉन बर्साड बताता है। हु सजेस्टेड दैट स्टार्विंग पीपल शुड ईट ग्रास। तो लोग भूखों मर रहे होते हैं, तो उनको एक सामंत सलाह देता है कि जो भूखों मर रहे हैं तो घास खाएं। तो फूलोन FOULON, तो फूलोन सजेस्ट करता है स्टार्विंग पीपल शुड ईट ग्रास। फूलोन की हत्या कर दी जाती है, पेरिस मॉब किल्स फूलोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज टेलसंस
क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाई डज द ब्रोकन वाइन कैस्क सिंबोलाइज। तो सड़कों पर शराब के जो कैस्क थे वो तोड़ दिए जाते हैं, वो क्या सिंबोलाइज करते हैं, क्या जो है प्रतीक बनाते हैं? हंगर एंड अ ब्लड थर्स्टी डिजायर फॉर चेंज, तो परिवर्तन की इच्छा को व्यक्त करते हैं। हंगर एंड अ ब्लड थर्स्टी डिजायर फॉर चेंज। क्वेश्चन नंबर सेवन, टू होम इज कार्टन ऑफन कंपोज्ड कंपेयर्ड, टू होम इज कार्टन ऑफन कंपेयर्ड बिकॉज ऑफ हिज सेक्रीफाइस। तो कार्टन सेक्रीफाइस करता है, सिडनी कार्टन, वो डालने की जगह पर फांसी उसको दे दी जाती है, तो उसे क्राइस्ट से कंपेयर किया गया है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ डबल इन द नरेटिव, तो मोंसियर डिफार्ज और डॉक्टर मैनेट ये डबल नहीं है, इंग्लैंड एंड फ्रांस डबल हैं, लूसी एंड मैडम डिफार्ज डबल हैं, कार्टन एंड डार्ने ये भी डबल हैं, लेकिन मोंसियर डिफार्ज एंड डॉक्टर मैनेट ये डबल नहीं है। व्हाट डज कार्टन्स सेक्रीफाइस सजेस्ट अबाउट फ्रांस फेट, यानी फ्रांस के भाग्य के बारे में कार्टन का जो बलिदान है ये क्या सजेस्ट करता है? दैट इट्स वायलेंस मे फाइनली गिव वे टू अ बेटर सोसाइटी, तो ये सजेस्ट करता है कि जो फ्रांस में क्रांति में जो हिंसा हुई है उससे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। हुज साइड ऑक्यूपेशन इज एज अ रिसरेक्शन मैन, तो आंसर है जेरी क्रंचर का साइड ऑक्यूपेशन है रिसरेक्शन मैन, जेरी क्रंचर का साइड ऑक्यूपेशन है रिसरेक्शन मैन। हु इज मिस प्रॉस ब्रदर हुज रियल नेम इज सोलोमन एंड अ ब्रिटिश स्पाई, एक बड़ा ही मजेदार पात्र है जॉन बर्साड, वह मिस प्रॉस का भाई है, उसका नाम सोलोमन है जो कि खो गया था, और वह ब्रिटिश स्पाई है और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का भी प्रिय है, या फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को लगता है कि वह उनका स्पाई है, लेकिन सोलोमन जिसका नाम बर्साड है जॉन बर्साड वो ब्रिटिश स्पाई है, और इस चीज़ का उपयोग सिडनी कॉर्टन करता है अपनी सेक्रीफाइस के लिए। ग्यारहवा प्रश्न है, व्हाई डज टेलसंस सेंड मिस्टर लॉरी टू फ्रांस टू सेफ गार्ड द बैंक्स असेट्स एंड पेपर्स, तो टेलसन बैंक है तो उसमें के मिस्टर लॉरी को टेलसन बैंक फ्रांस इसलिए भेजता है कि क्रांति में उसके जो सामान हैं असेट्स हैं और उसके जो पेपर हैं वे सुरक्षित रहें। 12, हु बेयरली एस्केप्स फ्रॉम द फायर, तो इसका आंसर है गैबेल अ लोकल टैक्स कलेक्टर, तो GABELLE ये आग से बच जाता है। 14th क्वेश्चन, हु इज द डेड मैन रोजर क्लाई, तो आंसर है ए मैन हु टेस्टिफाइड अगेंस्ट डार्ने, तो डार्ने के खिलाफ जिसने बोला था कोर्ट में वो रोजर फ्राई डेड मैन है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट स्टोरी डज डार्ने टेल दैट मेक्स डॉक्टर मैनेट स्टार्टल एंड लुक इल, तो कौन सी कहानी डार्ने बताता है जिसे डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट चौंक उठते हैं और बीमार से दिखते हैं? अबाउट अ प्रिजनर कार्विंग द वर्ड डिग इन हिज सेल, तो डार्ने एक कैदी के बारे में बताता है जो अपनी कमरे में या कोठरी में DIG डिग शब्द उकेर रहा होता है। 16th क्वेश्चन, व्हाट आर स्ट्राइवर्स एंड कार्टन्स निक नेम रिस्पेक्टिवली, आंसर लायन एंड जयकाल, स्ट्राइवर का निक नेम है लायन एंड कार्टन सिडनी कार्टन का निक नेम है जयकाल, ये इम्पॉर्टेंट है
सिडनी कार्टन का निक नेम है जयकाल। क्वेश्चन 17, इन व्हाट ईयर डू दी चैप्टर्स टेक प्लेस? आंसर 1780, यानी ये जो चैप्टर्स हैं वो 1780 में घटित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज जैकियस, JACQUES अ कोड नेम फॉर? तो JACQUES जैकीज किसके लिए कोड नेम है? आंसर रिवोल्यूशनरीज, यह क्रांतिकारियों के लिए कोड नेम है JACQUES। धन्यवाद, थैंक यू।